एक शब्द का गुजारा हमारा हो सकता है? जी सर, अभी हम डिमांड है हमें हमारे सैलरी इक्वल वर्क इक्वल सैलरी दिया जाए, हमें सिर्फ पर 100 दिया जा रहा है पर डे, ये बहुत बेइंसाफी है सर। हमें जब तक पूरा सैलरी नहीं दिया जाए, बेसिक सैलरी जिस तरह 202 को रियलाइज किया गया उसी तरीके से जब तक हमें नहीं दिया तब तक हमारे ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होंगे, हमारे ये प्रोटेस्ट अब जारी रहेंगे। जब तक नहीं हमें इंसाफ दिया जाए तब तक हम इसमें लगे रहेंगे सर। बस सर यही हमारी डिमांड। देखिए ये कितने मजबूर हैं हमारे ये बेरोजगार नौजवान और रहबरे खेल और रहबरे तालीम, रहबरे जंगलात, रहबरे सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। और इसी प्रकार हमारे सारे डेली वेजर्स, पीएचई, पीडीडी, बिजली विभाग के सभी परेशान हैं और सरकार के पास कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं है। सरकार को चाहिए, उपराज्यपाल साहब को इन्हें समय देना चाहिए। कब तक ये बर्बरता का शिकार होते रहेंगे और लाठीचार्ज इनके ऊपर होती रहेगी? पुलिस वाले भी अपनी जिम्मेवारी को कब तक निभाते रहेंगे? जब तक कि सरकार के पास कोई ठोस एम्प्लॉयमेंट रोजगार नीति नहीं है। आतंकवादियों को सरकार नौकरी देने के लिए तैयार है, बाहर के लोगों को जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल ला करके स्टेट सब्जेक्ट को ख़त्म करके बाहर के राज्य के लोगों को नौकरियां देने के लिए तैयार है, लेकिन जो 30 लाख बेरोजगार हमारे अपने जम्मू कश्मीर का है, रहबरे तालीम, रहबरे खेल, रहबरे जंगलात, NYC, होम गार्ड्स और इसी प्रकार आप देखें ये आज खेल वाले कितना बुरी तरह से इन्हें रोका जा रहा है और ये 100 रुपये के मामूली के ऊपर काम कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि 50,000 नुक्तियों की जो घोषणा की है उसे जल्द से जल्द भरे। दे रहे हो, लिख के दो कहाँ पे कौन से बजट में 3,000 रुपये गुजारा होता है। ये पुलिस वाले हमें रोक रहे हैं, इन्हीं से पूछो ये हमारी सैलरी बढ़ाएंगे। जो हमें रोक रहे हैं किस हक से रोक रहे हैं? इनको LG सर ने बोला हमें रोकने के लिए। हिम्मत है तो हमारे से बात करो ना, फेस टू फेस हम कर रहे हैं ना बात मीडिया वालों से। आप क्यों नहीं करते हमारे सामने मीडिया वालों से बात? तब आप कह रहे हो आपके मुद्दे हल हो रहे हैं। कौन से मुद्दे हल हो रहे हैं? इतनी डीली तुम्हारी अथॉरिटी है, इतने डीले एम्प्लॉय जो तुम्हारा एक साल हो गया कमेटी बने और फैब में बनी थी, एक साल से वो आपके मुद्दे सॉल्व नहीं कर पाए। क्यों आप फिर कर क्या रहे हो? गवर्नमेंट में करते क्यों? ऐसे एम्प्लॉय रखे क्यों है तुमने जो एक साल लगा रही है तुम्हारी कमेटी को सॉल्व करे? सिर्फ ये बातें करते हैं, कुछ नहीं करते। बातें कर रहे हो कि पेंशन ले रहे, बातें कर रहे हैं 1-1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं और हमें काम करने की तनख्वाह नहीं दे रही है। वाह, ये बड़ी अच्छी स्कीम है तुम्हारी है। रिटायर तुम MLAs को, रिटायर मिनिस्टर्स को 50,000 रुपए पेंशन देते हो, नहीं पैसे उनकी पेंशन काटो, ठीक है, उनको निकालो बाहर। हमें क्यों नहीं दे रहे भाई? हम तो सिंपल वे में तुम्हारे प्रोसीजर में अगर हमने करप्शन करके लग गया ना, साबित करो। मेरा जैसा इंसान तो करप्शन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है। मतलब तुम्हारे मिनिस्टरों ने करप्शन की है ना, उठाओ और बाहर फेंको उनको, ठीक है। घरों में नहीं रखो उनको, बिठा के संभाल के नहीं रखो उनको, ठीक है। हिम्मत है तो अपने बंदे निकालो बाहर, हिम्मत है तो अपने मिनिस्टर्स की पेंशन बंद करो, हमारी नहीं करो। हम पागल हैं? पूरी उम्र जो है खज्जल हो गए हम लोग, नेशनल में गोडे रगड़ रगड़ के हमारे हालात देखो कि पूरी बॉडी में मार्क होंगे। क्यों? क्योंकि अपनी मिट्टी में जो है जान गंवाई है हमने, ठीक है। और आज हमें कितने दे रहे हैं? 3,000 रुपया एक महीना। कौन सा गुजारा होता है 3,000 के? तो 10 किलो चावल नहीं आते ढंग के खाने हो तो। और बातें तुम बड़ी बड़ी करते हो, हम अबव पॉवर्टी लाइन लेके जा रहे हैं, किसी को तुम अबव पॉवर्टी लाइन नहीं लेके जा रहे हो। इनके DSP सर को पूछो क्यों रोक रहे हैं, किसके ऑर्डर से हमें रोका जा रहा है, पूछो जाके।